ये है मोहब्बते में इशिता की मुश्किलें बढ़ने वाली है। It was very sad actually. The reason being, रमन के ऑफिस आई थी और यहाँ पे शगुन भी थी, और आपको अपनी सौत से मिलने का मौका मिले तो जाहिर सी बात आपको बहुत खुशी नहीं होगी, स्पेशली तब जब आपका पति उन्हें सपोर्ट कर रहा हो। एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द एंटायर थिंग, क्योंकि रमन पे बहुत भरोसा था, टूट गया। सो फिलहाल आई एम अ वेरी सैड सैड लेडी। यहाँ जो सीन शूट हो रहा है उसमें इशिता रमन के ऑफिस से निकलती है, जहाँ उसका देवर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो हमेशा इशिता के साथ है। मेरे देवर साहब का कहना है कि कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ देगा, और फिलहाल अच्छी बात यह है कि पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है सिवाय मेरे पति के। कहानी में ये भी दिखाया जाएगा कि इशिता शगुन के खिलाफ एक केस फाइल कर देती है। यहाँ हमने जब इशिता यानी दिव्यांका से पूछा कि क्या उन पर कोई प्रेशर है क्योंकि उनका शो अब टॉप 10 में आ गया है, तो सुनिए दिव्यांका ने कैसे दिया इस सवाल का जवाब। जब हमने शो शुरू किया था तब भी हमने बिना प्रेशर के शुरू किया था, हमें मालूम था कि 11 o'clock का स्लॉट है। सो वी ऑलवेज न्यू कि हम लोग का शो एक अलग हटके स्लॉट में आ रहा है, जो कि वर्क करेगा नहीं करेगा, वो डिलेमा हमेशा से थे हमारी लाइफ में। आज भी वही का वही प्रेशर है, अभी नंबर वन होगा या नहीं होगा, हम हमारा बेस्ट करेंगे। हमारे क्रिएटिव्स, हमारे जो राइटर्स हैं वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल उसी रफ्तार पे चलने वाले हैं, हम लोग कुछ हटके नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हटके किया जाता तो कई बार गंदा मसाला बन जाता है। जाते जाते इशिता ने हमें ये भी बता दिया कि शो में उनके हस्बैंड बने रमन यानी करण एक बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं। करण और शांत टटक 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 ऐसे ना दो तीन बार जूम पैन होगा मुझ पे। करण भयंकर मस्ती खोर है, उससे अच्छी लेग पुलिंग कोई नहीं कर सकता, उससे अच्छे प्रैंक्स कोई नहीं खेल सकता, तो उससे ज़्यादा मस्तीखोर बंदा मैंने तो आज तक नहीं देखा है। तो बट इट्स ऑलवेज फन जब वो सेट पे होता है, सेट पे मुझे चहल पहल रहती है, करण आता है तो पता लग जाता है कि हाँ 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 आ गया, क्योंकि आप दूर भी खड़े होगे आवाज़ें आ जाएंगी।